गुरुराम का एक अध्ययन द्वारा मैंने किया है। सबसे पहले तो मेरा एक इंटरव्यू का जो अनुभव अपने उसके साथ मोटरसाइकिल और से एक ऑफर थी कि मैं मोटरसाइकिल करना चाहते हैं, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो नया जीवन होगा उन्होंने मोटरसाइकिल को किया। नहीं बिना कोई और आप करना चाहो तो आप इसे करो किसी दूसरा ये है कि स्वच्छता को लेकर के पिछले दिनों हमने योजना बनाई थी सभी नगरीय इकाइयों में और जहाँ कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े उनकी सफाई होनी चाहिए 20 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अचानक किया है, हमने उसको बता दिया था डिप्टी कमिश्नर के साथ दो बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भी किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी ऑथेंटिकेशन हो सकता है और हमने अपने मंत्रियों के लिए भी लगाया किसी भी शहर में जाकर के ऑथेंटिकेशन करें। प्रोग्राम मैंने अपने जब लिया था और रात्रि को मैंने बता दिया था और मैंने यही था कि रात्रि को पता रहेगा तो शायद एक रात में कुछ ना कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, कमिश्नर हैं, लोग हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं, फिर भी जो कमियाँ नहीं रही थी वो कमियाँ भी मिली। इसलिए सिम्बॉलिक तौर पर हमने प्रधानमंत्री को टाइम भी इसलिए लगाया था कि जिनको भी सुविधा चाहिए और उसका मैसेज आपको जगह बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कॉर्पोरेशन सिंह जी 15 दिन की उनकी सैलरी ये और ज्वाइंट कमिश्नर उनके ऊपर भी 1 महीना प्लस 5,000 ये उनकी भी सैलरी में से उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कि आगे उनको सबको ठीक होकर के आज बताना चाहिए। और एक सिम्बॉलिक ही है, ऐसे ही पता है कि बड़े ऑफिसर्स को महीना 15 दिन की सैलरी के ऊपर अंतर पड़ने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी सिम्बॉलिक चीज़ हम आगे ठीक रखते हैं सारे विषय को और साथ ही उसके नीचे भी चाहे वो SDO है, SDO पर्टिकुलर एक जोन के हैं, हाँ नंबर 2 एक SDO उसके ऊपर 4,000 रुपये का जुर्माना, सीनियर सेंट्री इंस्पेक्टर 3,000 रुपया, असिस्टेंट सेंट्री इंस्पेक्टर 2,000 रुपया और फील्ड ऑफिसर उसके ऊपर 1,000 रुपया और फिर कंपनी का एक सुपरवाइजर जिसके जिम्मे एक पर्टिकुलर जगह का सुपरविजन करने का था। सिम्बॉलिक तौर पर क्योंकि कमी उसने भी अपनी मानी कि हाँ मेरी भी कमी है, आज शायद चली कि देश भर आकर के और ये बैठते हैं और काम नहीं करते हैं, चाहे कहीं चले जाते हैं थोड़ा काम करते हैं, उसने माना तो सिम्बॉलिक तौर पर 10 रुपया भाई उसको भी लगाया और दूर बना रहा है, लेकिन उससे पूछ करके तुम्हारी कमी है या हाँ कमी है फाइन जैसे आपकी मर्जी 10 रुपया काम कर दो बात नहीं होती बड़ी। लेकिन हम हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से दाएं बाएं ना हो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना सबका ये जिम्मेवारी है, सबका दायित्व है। बड़ा शहर है और बड़े शहर होने के नाते से काम भी ज़्यादा है, या कुछ जो सैनिटरी के जो वर्कर्स हैं म्यूनसिपल के जो वर्कर्स हैं स्ट्राइक पर भी हैं, वो भी स्ट्राइक होने के बावजूद भी या काम एकदम 100% चल सके नहीं कह सकते भी अच्छा होगा। साथ ही कुछ जो सफाई कर्मचारी ने अपने इंक्वायरमेंट बताई कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कम है, उसके लिए इमीडिएटली हमको जैसे कुछ चाहिए, हाथ रेडी चाहिए, कक्षा रेडी चाहिए, टिम्पर चाहिए, इसके नाते से हमने CSR के फंड में से हमारे पास अपना सरकार के पास भी होता है जो होता तो कंपनियों का है लेकिन सरकार के डिस्पोजल तो रखते हैं कि आपको ठीक जगह मदद करना कर सकते हैं, उसमें से 1 करोड़ रुपये के लिए मंजूर किया है जिसमें 200 हाथ रेडी, 150 रिक्शा रेडी और 10 टिप्पर इमीडिएटली और उस CSR में से जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करके और तुरंत खरीदेंगे और बहुत जल्दी खरीद करके और ये सफाई के काम में लगा दिया जाएगा। इससे अधिक आवश्यकता यदि होगी तो कॉरपोरेशन अलग से उसका टेंडर करके और वो छूट दी है कि कोई भी कमी खास करके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी नहीं रहनी चाहिए, मैन पावर भी पर्याप्त है, आवश्यकता तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। कंपनियों को भी ये कहा है, एक कंपनी पर भी फाइन लगा आपने 1,00,000 रुपया, जिस कंपनी ने रोड साइड पर
जो नाले ड्रेन से उसकी सफाई करके मिट्टी कार पड़ी हुई है उनको ढाई हजार रुपये से, उस कंपनी पर भी 1,00,000 रुपया जुर्माना किया है। ये सारे काम जल्दी जल्दी शहर को सुंदर बनाने के लिए जो भी आवश्यकता हो आवश्यकता सरकार पूरा करेगी, क्योंकि अपने जो स्किल पावर को यूज करें और कोई चाहे कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है किसी को भी लाभ दी जाएगी। 1 महीने बाद फिर से एक बार इसी में अपना पूरा किया है। सर कितने से सफाई हो गई है आपके आने और 2 दिन पहले भी पर सोशल मीडिया पर बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये हुआ है कि विपक्ष के कुछ सांसदों और उपराष्ट्रपति जैसे दायित्व के व्यक्ति जो चेयरमैन राज्यसभा हैं संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनकी मिमिक्री की गई। सामान्य किसी भी पॉलिटिकल आदमी की लीडर की जाती कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों की इस प्रकार का आदर का अभाव ये निंदनीय है और इसका जरूर हम संज्ञान लेंगे। हमने अपने जो पार्टी के लोगों को भी कहा कि जनता में इस विषय की जानकारी जरूर दी जाए ताकि इस प्रकार की कोई होने हर तक आगे कोई नहीं करें। सर मनमाने से नगर निगम और दुर्गा नगर निगम की बाढ़बंदी हो चुकी है, चुनाव की कब तक संभावना ऐसा कि पहले तो केवल 3 ही नगर निगम थे लेकिन अब दिसंबर में ही 5 नगर निगम और है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, अब उनको भी बाढ़बंदी के लिए कह दिया है और बहुत जल्दी मैं अपेक्षा करता हूँ कि सबकी बाढ़बंदी उस नगर परिषदें भी हैं नगर पालिकाएँ भी हैं तो कभी भी लोकसभा के चुनाव से कभी भी हो सकता है काफ़ी हो सकता है बाकी हो सकता है लेकिन भी देखिए ठेकेदारी प्रथम को बंद करने के लिए ही HKRN शुरू किया है। HKRN एक बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है और वो गवर्नमेंट की देखरेख में उस व्यवस्था को बनाया गया है। कौशल विकास के नाते से जो कुशल लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए निगम बनाया है। निगम कोई प्राइवेट ठेकेदारी प्रथा नहीं होती बल्कि जो लोग ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए थे उनको हमने ऑप्शन दी कि आप HKRN में आना चाहते हैं क्या। 1,00,000 लगभग 10,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो वोट किए गए हैं HKRN में। अब ठेकेदारी प्रथा को हटा दिया गया, ठेकेदारी प्रथा में तो उसका शोषण भी होता था किसी का कोई द्वितीय जमानी होना किसी का कोई ऐसा ग्राम उनको नहीं करता और सैलरी भी समय सकती नहीं थी कभी सैलरी के कुछ कमीशन भी काट ली जाती थी, भर्ती करने में भी 1,000 रुपये लेकर के तब भर्ती करते थे, ये सब शिकायतें बन रहा थी। लेकिन अब उन सब में से ऐसे जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं उनको मुक्ति लगा दी है तो HKRN अच्छा प्लेटफॉर्म है। बल्कि उस समय अब ये नहीं कह सकता किन कारणों से कुछ थोड़े लोग पीछे हट गए थे HKRN में नहीं आएंगे, लेकिन व्यवस्थाएँ सारी देखी गई हैं तो आज वो सारे के सारे वापस अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं हमको भी HKRN में ले लें। देखिए HKRN के अंदर समय पर कोई सैलरी मिलती है, बाकी जो सुविधाएं हैं सब उनको दी गई हैं, वो सब सुविधाओं को देखते हुए HKRN में 170 करोड़ का ग्रोथ चल रहा है। HKRN ने तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को नौकरी देने के लिए ऑफर किया है, विदेश में जो लोग नौकरी देना चाहते हैं उनके लिए भी ऑफर किया है। अभी इजराइल की डिमांड पर बस आई है 10,000 लोगों की, ऐसे दूसरे देशों की भी है तो अन्य देशों में लोग जाते हैं इलीगल तरीके से यहाँ से जो बंद की प्रक्रिया है उसमें चलते हैं उसमें इलीगल तरीके से लोग न जाए विधिवत सरकार का बनाया सिस्टम इलीगल तरीके से जाएंगे तो उनके जीवन की सुरक्षा भी होगी, उनको कहीं कठिनाई भी नहीं आएगी, वापस आना चाहेंगे तो आसान नहीं कर सकेंगे। पासपोर्ट भी हम कॉलेज में डिग्री पोस्ट डिग्री जो करने के बाद पासपोर्ट हमने फ्री बनाना शुरू किया है, 1,000 की संख्या में 400 ने पासपोर्ट बना शुरू किया है, बहुत स्मूथ चीजों को करने के लिए। सर अक्सर सुरक्षा उनको वापस बुलाया जाता है जब कोई युद्ध का समय होता है लेकिन आप भेज रहे हैं। नहीं, ये बहुत पहले से हमारा विषय चल रहा है, अब युद्ध के बाद शुरू ऐसा नहीं है, युद्ध से इसका कोई लेना देना उनके सिविल वर्क्स हैं जिसके लिए उन्होंने डिमांड की है और ये डिमांड हमने लोगों के सामने रखी है। कोई अगर जहाँ चाहता है एम्प्लॉयमेंट कराते हैं तो वो जाने उसकी सुरक्षा का ध्यान में हम चिंता भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आज इसराइल में लोगों का आना जाना बंद हो गया है, आज वो विषय वैसा नहीं है। फिर भी आगे चल करके क्या होता है अभी तो लोगों से हमने ऑप्शन ली है,
इना बस इस ऑप्शन में लेने में लगी था क्रिकेट ट्रेनिंग कराएंगे, स्किलिंग कराएंगे, उस समय क्या परिस्थिति वाले देखे सर, एक विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा चल रही है, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको, क्या लगता है कितना फायदा जनता का? बहुत एक अच्छा लोगों से फीडबैक मिल रहा है, जो सरकारी सेवा है केंद्र सरकार के उन सरकारी सेवाओं से जो लोग छूट गए वो सब वहाँ हाथ पास वहाँ जा कर लड़ाई करके अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, किसी को गैस सिलेंडर की बात है वो मिल रही है, किसी पेंशन वो मिल रही है, किसी का आयुष्मान कार्ड भी नाम है उनको दर्ज किया जा रहा है, और जो समस्याएँ हाथ पास वहाँ हल नहीं होती हैं उनकी एप्लीकेशन ले करके हम उसको जो भी समझे दिखा गए उनको कहता है चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और आपने कहा भी था कि विधानसभा का चुनाव भी कराई जा सकती है, क्या एक्सपीरियंस भी अगर वो कराना चाहेंगे तो आपत्ति तैयार है, लेकिन हमने अपनी ओर से कोई लिख के भेजना है या भेजना है कुछ भी नहीं करा, हम तैयार हैं जब चुनाव हो जाए तब तैयार। सर पुराने सिविल अस्पताल राज्यों के तहत हरियाणा में भी लोग जो सांसद हैं उनको विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। सर पुराने सिविल अस्पताल की जगह पर फिलहाल पार्किंग बना दी गई है, गुरुग्राम की जनता इंतजार कर रही है कि अस्पताल कब बनेगा। गुरुग्राम के अंदर जो हमारी योजना का स्कूल जो विद्यालय था वो खत्म करके सर उसकी हॉस्पिटल के लिए उसने सेंट्रल प्रोसेस है, सबसे पहले बच्चों को ही और उसका हमने बेड्स की संख्या भी बढ़ाई है, 700 बेड कर लिए पहले जब 400। सर नोएडा की कंपैरिजन में आपको नहीं लगता गुड़गांव पीछे चल रहा है क्योंकि रोड्स टूटी पड़ी है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है? मेरा नोएडा जाना सुखा नहीं है, अच्छा ये है कि आप एक बार नोएडा जा कर के यहाँ की चीजें बाकी जब खुद कंपेयर करें तो एजेंसीज यहाँ पे जीएमडी एनसीजी का फेलियर है कि रोड्स टूटी पड़ी है।